ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के नए परिसर में वो साधु संत पहुंचने वाले हैं जो अधीनम के हैं। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमिल परंपरा शैव परंपरा के वाहक ये संत जो कल आपने प्रधानमंत्री के आवास में देखे थे, अब ये पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, नई इमारत में, जहां पर आज विधि विधान के साथ पूजा शुरू हो जाएगी। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। और इन सब के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार, और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। टुडे ऑन सीइंग दिस ब्रांड न्यू ग्रैंड न्यू बिल्डिंग, माई हार्ट इज फिल्ड विद प्राइड। द इंडियन पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक नए भारत की पहचान है, ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से, सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया है। टुडे इज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट the honorable prime minister for making this day possible. God bless India with more and more progress in the years to come. Jai Hind, Jai Bharat. तो ये गौरव का विषय है, अक्षय कुमार ये कह रहे थे, ये प्राइड का विषय है, और उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं इस विशेष मौके पर, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली में जब जब इंडिया गेट के आसपास घूमने जाते थे तो वो देखते थे। और मैं ये सवाल लेकर चलना चाहता हूँ रवि त्रिपाठी आपके पास, अक्षय कुमार कह रहे हैं कि हम जब जब देखने के लिए जाते थे तो हमें अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतें बहुतायत देखने के लिए मिलती थी, लेकिन ये वो इमारत है जो हमने बनाई है, हमारे लोगों ने बनाई है, और भव्य है, जबरदस्त है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं। लोकतंत्र का मंदिर और सांसदों का, जहां कानून बनता है देश के लिए, लोगों के लिए न्याय का कार्यक्रम बनता है, तमाम चीज़ें होती है, तो इतनी बड़ी चीज़ देना कहीं ना कहीं एक बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री की तरफ से है। और इस दौर में है जब उन्होंने सरकार में है और सरकार में रहते हुए उन्होंने प्लान करके तमाम विपक्षी दल कोरोना के दौरान में, देखिए कितने सारे सवाल खड़े किए गए कि कोरोना के दौरान में ये खर्च नहीं किया जाना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए थे, बावजूद इसके प्रधानमंत्री का संकल्प होता है, वो कहते हैं कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात से, आपने देखा होगा जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो स्थापित की गई उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा था, जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उसका शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री रहते उसका उद्घाटन किया, तो उनका टारगेट रहता है कि किस टारगेट के तहत काम करना है। और ये बड़ा प्राइड है, देखिए भारत के लिए इससे बड़ा प्राइड नहीं हो सकता है कि भारत ने अपना संसद भवन बनाया और 100 साल के बाद आज़ादी के भी 75 साल हो रहे हैं, और इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, जिसको आप अमृतकाल कह रहे हैं, अमृतकाल का नाम दिया गया, और इस अमृतकाल में अपना संसद भारत को मिले, अपना बनाया हुआ, अपने मजदूरों द्वारा बनाया हुआ, अपने देश द्वारा निर्मित चीज़ मिले, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर हिंदुस्तानी को प्राइड होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए कि ये देश की ज़रूरत भी है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, मैंने कहा ना आपसे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी प्रधानमंत्री ने दिया, एक तरफ से धार्मिक आस्था के तौर पर मंदिर बनवाए, चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे राम मंदिर तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी देश को गिफ्ट किया है। और इसी 9 साल के अंडर में, 9 साल 10 साल, जो 10 साल उनका पूरा होगा 2024 में, उससे पहले कई सारे मंदिर और लोकतंत्र का मंदिर भारत के लोगों को गिफ्ट मिलेगा, और ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तैयारी दिखाना चाहेंगे, तस्वीर देखिए, ये
बिल्कुल देखिए ये स्थिति है जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आपको दिखाना चाहेंगे। ये गेट है जो यहाँ से विजय चौक जाने का रास्ता है। दाहिने साइड में पार्लियामेंट है जो हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें सत्यमेव जयते, बिल्कुल स्पष्ट सत्य की जीत होगी, ये साफ तौर पे इसका मैसेज है। इस पार्लियामेंट का, नए पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान के सरकार ने बनाया है, इसका सबसे बड़ा मैसेज है कि सत्य की जीत होती है यहाँ। जो भी सत्य कहेगा उसी की जीत होने वाली है। और साथ साथ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट दिखाना चाहेंगे आप। ये सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं, ये गेट है जो विजय चौक जाने का रास्ता है, जहां गेट नंबर 1 से आप एंट्री करेंगे वहां गेट नंबर 1 है। तमाम जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो तमाम जो गेस्ट आएंगे, वीआईपी गेस्ट आएंगे, वो सामने वाले गेट से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा आपको। वो जो स्तंभ की तरह का आकार दिख रहा है, वो विजय चौक से अगला आकार है, और उसके आगे से गेट नंबर 1 है जहां से सारे गेस्ट एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखा गया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहलवानों ने और किसानों ने एक चुनौती दी है आज यहीं आकर कहीं कार्यक्रम करने का, तो ऐसी स्थिति में बॉर्डर को तो सील किया ही गया है, ठीक है, लेकिन बॉर्डर के अलावा अगर गलती से कोई मेट्रो से चाहे कहीं से आ जाए, तो वैसी स्थिति में उसको संभालने के लिए भी तो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, जबरदस्त, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे अहम कार्यक्रम है, नई संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम है, और इसमें किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिए, सरकार का ऐसा सोचना है। रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं ये पार्लियामेंट की भव्य इमारत, और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जो साधु संत हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ये वो साधु संत हैं जो विशेष रूप से तमिलनाडु से इसलिए आए, अधीनम मठ से इसलिए आए, क्योंकि वो सेंगोल प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर सकें, उनको सेंगोल सौंप सकें। और इन सबके बीच प्रतिक्रियाएँ भी लगातार आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये साधु संत तो हैं ही, इसके अलावा तमाम फिल्म अभिनेता भी इससे जुड़े हुए जो हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पहले क्या प्रतिक्रिया दी गई ये हम आपको सुना रहे। नाटक तेवान पुण्य भूमि और सहाब्दते पड़तीमक धर्म மக்களுக்கு வேண்டிய சேவைகளையும் செய்வதற்குரிய தளமாக Zee News.